where are you going? शुक्र है कि आज आयत की विश पूरी हो रही है। रोज स्कूल जाते हुए कहती है कि हम बीच पे जा रहे हैं, देखो नीचे स्लीपर पहना हुआ है, शॉर्ट पहना हुआ है, ग्लासेस लगा के खुश बैठी, वरना इस टाइम रो के जा रही होती है। और इस साइड पर मम्मा की शहजादी भी तैयार होकर आ गई है। आज स्पोर्ट डे है और आज इसका बीच का डे है। ए दाजो चले जल्दी से, भागो भागो, पापा वेट कर रहे हैं। आज तो हाँ हाँ आज आज आप रह गए हो एंड में, जल्दी करो मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। आए थे आप माओ को नहीं ले जाओगी बीच पे? देखो कैसे देख रहा है माओ आपको। हम सब तैयार होकर नीचे आ भी गए, साइड पर हो जाओ, आ जाओ तैयबा, इसका हाथ पकड़। रोज तो इस टाइम पे सो के जा रही होती है आयत, इस टाइम सो के जा रही थी, जितना जगह जाती नहीं है। आज तो हैप्पी होके जा रही है, पता है ना कि बीच पे जाना। देखा अपनी बहन के काम, रोज कैसे सो के जा रही होती है। मम्मा की शहजादी है, सबसे अच्छी बच्ची है मम्मा की, टाइम पे उठती है, टाइम पे सोती है। कैप थोड़ी सी ऊपर कर लो, तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी ऊपर कर लो। मुस्तफा का स्कूल आ गया, हाफिज, बाय बाय, जल्दी से भाग के जाओ। अब हमारी आयत की बारी। सोच रही है कि जा तो स्कूल रहे हैं, बीच पे जा नहीं रहे, कपड़े बीच वाले हैं। कोई डेली आप छोड़ने जाती है ना, वो ठीक होते हैं। हाँ तो जब मैं छोड़ने जाती हूँ, यही करती है, रोती है मुझे देख के। तो जब ट्रिप पे जाएगी ना फिर सही लगेगा। अभी तो अंदर बैठे हुए थे ना बच्चे, अभी थोड़ा सा लेट था। बाहर से मुझे सामान मंगवाना है, बाहर से सामान मंगवाना है। अच्छा। टाइम हो गया है, रोजा नहीं रखना, रोजे का टाइम हो गया है, रोजे का टाइम जा रहा है। अच्छा रोजे इफ्तार नहीं करोगे? केक लेना है बाहर से, कस्टर्ड बना रही हूँ, जल्दी आओ। गए थे बीच पे, ठंड लग गई थी। आज नहीं बता रही मम्मा को, आती ही अपने कार्टून में लग गई, अब बिल्कुल भी जवाब नहीं देगी। अब इसके कार्टून लग गए हैं ना, अब किसी को भी जवाब नहीं देगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। जब से तकबा स्कूल से आई है तब से बोली मम्मा आज कस्टर्ड बनाना। सब बच्चों की हर दिन एक एक फरमाइश चल रही। कल मुस्तफा को मैक्रोनी पसंद थी तो मैक्रोनी बनी, अभी दो पतीलियाँ अलग अलग मैंने रख दी। सबसे पहले मैं जाली बनाऊंगी अलग अलग कलर में, एक रेड और एक ग्रीन। रेड थोड़ा ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि आयत ऐसे भी बहुत शौक से खाती है, ग्रीन वाली बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लगती। मेरा बच्चा कस्टर्ड बना रही हूँ, वो देखो उस साइड पर जाली बन रही है, इसको लगा शायद नहीं बनाऊंगी, देखो जलिए जाकर देखो, इसको यकीन नहीं आ रहा। हाँ जाली के उसमें डालूंगी ना कस्टर्ड, वो देखो वो बॉक्स निकला हुआ है। बस कस्टर्ड के साथ केक भी डालूं और ये जेली अलग से? ठीक है, जेली अलग से डालूंगी और केक भी डालूंगी। अभी पापा को उठा के आई हूँ ना, जो आप भी आवाज दो पापा को। मेकिंग अ जेली, यस यू लाइक इट? नो इट्स हॉट, यू लाइक इट? क्या बोल रहे मोबाइल में? चलो पापा, पापा को बोलो केक ला दें। बच्चों की जब फेवरेट चीज बन रही होती है ना, इतना ज्यादा खुश होते हैं। हो गई जाग आपकी, केक लेना था। आज मैंने सोचा मैं पकोड़े नहीं बनाऊंगा, बहुत हो गई इतने दिनों से पकोड़े खा खा के ना, सबका दिल भर गया। आपका दिल कर रहा है? रूह अफजा नहीं है, जेली बना रही हूँ। इसने रोजा नहीं रखा, आज भी इसका रोजा रह गया, इसको उठाया नहीं था। मम्मा आप जान पूछ के नहीं उठाते? हाँ तो फिर आप कुछ खाते भी नहीं और ऐसे रोजा रख लेते हो, और फिर स्कूल में इतना भाग दौड़ करते हो, वापसी पर हालत नहीं होती। कल तो जुमा होगा। वहाँ से भागते हुए आइए, कहती है क्या कर रही हो मम्मा? जी मम्मा बन गई है। अच्छा के ब्लड निकल रहे हो, यू बहनों का ब्लड निकलो? चोट लगी, देखो ये पतला था ना बिल्कुल, बारीक लेयर थी तो ये बिल्कुल जम भी गई है। नहीं ये ज्यादा है ना, अभी इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो अब अपनी बहना का ख्याल करना कि वो यहाँ पर ना। अभी इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो गया, चीनी भी मिक्स हो गई थोड़ा सा, एकदम ज्यादा जाता है उससे क्या होता है कैसे गुठलियाँ बन जाती है, सही से मिक्स नहीं हो पाता। जो कस्टर्ड है वो तैयार हो गया है। दोपहर का टाइम होता है ना, ये इतना तेजी से इतना जल्दी गुजरता है ना,
इसमें अब पता नहीं कि ठंडा हो सकता है या नहीं। तो अभी मुझे एक आइडिया आया, सिंक में मैंने इतने सारे टिश्यू डाल दिए एक साथ, तो अब जो है ना पानी खोल लेते हैं। ये ट्रिक तो लगता है काम आएगी ही आएगी, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसमें ये जल्दी ठंडा होगा। कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस जल्दी जल्दी सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया, सारी तैयारी जो है ना यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। मेरे हस्बैंड जो है ना अभी न्यू तलाजा भी लें, कल हमारा तलाजा टूट गया और पावला भी हमारे घर का टूट गया। अब ये बहुत बड़े साइज का नहीं लाए हो आप, छोटा नहीं था, कलोनी से लाना, ये बहुत बड़ा है। ये तो बड़े पतीले जिसमें चाय बनती है उसके जितना। केक मिला है, केक मिल गया। तो कब से बोल रही थी मम्मा केक जरूर डालना, तो इसको अभी कट करना पड़ेगा। मम्मी आज आठवां रोजा हो गया, पता चला है? बिल्कुल पता नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो मम्मी अभी किचन का सारा काम खत्म करके आई हूँ, तो अभी प्लान हमने ये बनाया कि हम बाहर आज रोजा इफ्तार करेंगे। ठीक है ना? थोड़ी आपकी भी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, सारे बच्चे भी वहाँ खेल लेंगे, या तो पार्क का करते हैं या सीधे समंदर पे चलते। तो कल बाबर लोगों ने भी बाहर का किया था, तो हमें कल, मैं वैसे जैसे रमजान शुरू है ना, यही सोच रही थी कि चलो दो चार रोजे घर पे कर लेते हैं, बाहर का प्लान करेंगे। बाहर बाहर मतलब जहाँ समंदर ऐसी खुली हवा होगी वहां पे, या फिर पार्क का, इन दोनों में से एक का किया हुआ था। चलो अभी देखते हैं, टाइम पूरा हो गया, सारा किचन का जो भी काम था सारा खत्म हो गया। फ्रूट जो है ना आजकल अम्मी ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, टाइम से अम्मी कट करके जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडी हो जाती है। और साथ में अभी मैंने चाय रख दी है, चाय जैसे बनती है थर्मोस में, अम्मी चाय भी रख, सही है ना? थर्मोस तो टूट गया। नहीं अम्मी और आगे ले आए, हाँ दिखाऊँ आपको। तैयबा बाहर चल रहे हैं, अम्मी परेशान थी कि थर्मोस टूट गया। अम्मी ये है, ये देखें, अच्छा है। मैं सोच रही थी मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए, लेकिन खुद केक लेने गया तो ले आए, कह रहे हैं फिर शहरी के टाइम पे फिर परेशानी होती है। अच्छा है, अब ये जो सारे पानी बना के रखे हैं इनको बोतल में डालूं? बोतल कहाँ है? देख ये पड़ी है, ये बोतल रही और भी थी दो में, और बाकी इसके अलावा दो वो रही, बच्चों वाली भी पड़ी हुई है, पूरी हो जाएंगी मेरी। अभी चाय रखी है, चाय पे पता नहीं कितना टाइम लगे, ये सारा इंशाल्लाह पैक करने तक हमारी चाय तैयार हो जाएगी। शोर नहीं करो मुस्तफा, अभी सुन रहे। इसमें डालें भैया, चलो फिर इसमें फिर टैंक डाल, इसमें टैंक डाल, ये इसमें सादा पानी डाल। ये अम्मी ने जो है ना सही के आयत के लिए, वैसे भी हर दूसरे दिन ये बोतल खाली होती, इसमें तो आराम से आ जाएगा। बाकी पानी रख रहे हैं सब जो है ना, एक साथ काम पे लग गए। चलो एकदम से हमारा प्लान बनाना पहले का होता ना, सुबह से दिमाग में नहीं था, बस एकदम से प्लान बना के बाहर निकलने के। बस अम्मी अब कैचअप रह गया, कैचअप को क्या करें अम्मी? हाँ छोटी बोतल थी तो सही, पैकेट भी पूरा है क्या चपका, वो ले लेते हैं। तो ये हमारा पहले वाला पवा है, ये देखें ये टूट गया है, तो अभी वो पता नहीं नया कहाँ रखा है। एकदम से इधर से चाय भी हमारी जाने वाली थी, ये जेली बिना अच्छे से ज़्यादा हमारी बनी नहीं है। चलो जैसी भी है, बस टाइम से पहुँच जाए अजान होने से पहले। कारपेट, कारपेट भी जाएगा साथ में, मुस्तफ़ा को बोलो आपने नीचे जाके कारपेट रखना, जाओ। मैंने सोचा था कि इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, अच्छे से डेकोरेट हो रहा है देखो। ये होता है अगर टाइम कम हो तो। चाय तैयार हो गई, जो ड्राइंग रूम में कारपेट पड़ा है ना वो लेकर जाना है, जिस पे नमाज के लिए। हाँ कहाँ पर हो? आज सबसे फास्ट वाली हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं, इससे पहले जो है ना इतना जल्दी जल्दी कभी भी नहीं हुआ, आज बहुत तेजी में सब चल रहे हैं। वो वाला नहीं जो ड्राइंग रूम में रेड वाला पड़ा है ना, वो छोटा काफी हो जाएगा। और ये हमारी जल्दी वाली कुछ डेकोरेशन है, तैयबा के केक भी इधर ही रह गए, बनाना डाल, बस बाकी रह गए हैं 15 मिनट और हमारा ये भी तैयार हो गया। इसके लिए कटोरी उठाइए, रखिए अंदर, बस हाँ अम्मी सब कुछ डाल लिए, चम्मच गए बर्तन में, चम्मच भी अम्मी, चलो बाकी सब नीचे पहुँचा दिया, बाकी सर चला गया ना बाकी कैचअप की कटोरियाँ, मैं बस अब आया पहन के आ रही हूँ। इधर ये लैंप भी साथ में लेकर चलेंगे ना, ये पकड़ो, ये भी नीचे ले जाओ गाड़ी में, संभाल के लेकर जाना गिरे ना। हाँ इसकी लाइट जलेगी अम्मी, जल्दी अब आया पहन, मेरा हाँ पाया, क्या चाहिए क्या? हाँ पापा कह रहे मेरा शूज चाहिए, देखो सबको जल्दी है, बच्चों को भी, इसको भी पता है कि जल्दी करना है। हुई है जल्दी जल्दी में हमारी तैयारी, अम्मी आ जाए तो ने, मेरे हस्बैंड ने, मुस्तफ़ा, तैयबा सब ने मिलकर एक एक चीज जाकर गाड़ी में रख दी। एंड में ये थर्मोस रह गया था और कस्टर्ड डालने के लिए चम्मच भी नहीं था, बस छोटे खाने वाले चम्मच थे, बस ये सारा कुछ हो गया। शुक्र है कि हम टाइम से पहले निकल चुके, वरना ऐसा होता कि रास्ते में अजान हो जाती और घर के जो पास वाला पार्क है ना उसमें जाकर बैठेंगे। 10 मिनट अभी भी रहते हैं। हाँ हाँ जाओ, अम्मी कहाँ गई?
आ जाए अम्मी। ये देखो ये नया थर्मास की हालत है, पीछे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। टिक्की में रख देंगे इसको, टिक्की में नहीं बैठेगा, जगह नहीं है। आगे हो जाओ, छोटी सी टिक्की, इसमें सब कुछ है आगे। चलो आगे हो जाओ, चलो आगे हो जाओ। तैयार खड़ी हो जाओ, मम्मा आपको गोद में उठा लेगी। हाँ इसको मैं नीचे रख, और चम्मच जो है ना यहाँ पर लगा ले। आगे सर, थोड़ा हमारी टांगों के बोलती है, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या हो रहा है इसके साथ। चलो चाय हमारी सही सलामत बच गई और हम पहुँच भी गए। चलो चलो चलो। ओ माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है। सब एक एक शॉपर पकड़ते रहो, जल्दी भाग के आओ, इसको अंदर भेज दो, ये कहीं भाग ना जाए। ये उठो जामे श्री, ये प्लेट उठो। चलो शाबाश, आ जाओ आराम से। माशाल्लाह हमने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा किया, इतना अच्छा मौसम। चलो अबू कैसा लग रहा है मौसम? मौसम बहुत अच्छा है ना? इधर कहाँ पर, उस साइड पर? अच्छा हाँ ये सही किया। अबू कहते हैं यहाँ पर चेयर पड़ी। तो ये बहुत अच्छा हो गया, अबू नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर मिल गई हमें, और पूरा पार्क खाली है, बस एक फैमिली वहाँ पर है, कुछ ही लोग हैं यहाँ पर, फ्रेंड हैं, तो वो भी तो रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। दस्तरखान भी भूल गए, बस अब इसी पर बैठते हैं। चलो आज तैयबा जो है ना, तैयबा भी झूलों पर भाग गई। सही है, आज तैयबा वाला लालटेन का काम है। कि सारा सामान खाना वगैरह हमारा सारा कुछ रेडी हो रहा है, और रेडी कर लाए थे, बस यहाँ पे खोल के रखना है। अम्मा डालते हैं वो हमारा रमजान का ये जो लैंप है ना, ये इससे खूबसूरती होती है हमारे दस्तरखान पर। तो तैयबा रखती है, अब तो तैयबा भाग गई। चलो प्लेट सब कुछ रख रहे थे, कितना टाइम रह गया वो तो नहीं रही अजान। और अभी अबू नीचे बैठ गए हैं, ऊपर जो है वो थोड़ी खराब है, तो अबू नीचे ही बैठ गए हैं। अजान हो रही है मम्मा? अभी हमारे फ्रूट्स, मम्मा आप वाटरमेलन ज्यादा डाला करो, नीचे भी गिर गए, बस ये प्लेट आगे रखते जाएंगे। दोप 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 दोप, यस यस यस, कुछ नहीं है। व्हाट व्हाट व्हाट्स हैपन? अबू टीपू सुल्तान, वो जब पीछे खैबाने टीपू सुल्तान है, वो कौन है? वो टीपू उधर था भारत में, अबू पहले तो पापा क्या अब्बू क्या कहते हैं, आपका तो बचपन इंडिया में गुजरा था ना? हाँ हमारा दस्तरखान, टैंक पीना है तैयबा को, तैयबा था आयत का टैंक, ऐसे बोल मैं आयत कस्टर्ड मांग रही है। आसान हो रही है, आसान हो रही है, हम जल्दी करें, अब्बू ने तो रोजा भी खोल लिया। मम्मा आज का रोजा कैसा था? आज का रोजा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बस एंड में ना सिर्फ इसकी तलब होती है कि बस ठंडा पानी चाहिए, और कुछ भी नहीं, भूख नहीं लगती बस। हमें अच्छा किया ना यहाँ आकर, हम सोच रहे थे कि घर पे करेंगे, अभी तो घर पे दिल भी नहीं लगेगा रोज, अब रोज कहेंगे कि ऐसे पार्क में जाए अच्छा लगता है। कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? साजिद लेकर, हाँ ये तो जा रहा है, चलो खुद किसी ना किसी तरह। वैसे अम्मी घर के पास है पार्क, लेकिन रोजा है ना इतना चल नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी में सारे बर्तन उठाए हैं, लेकिन शुक्र है कि सारे बर्तन कंप्लीट हो गए। केचप के लिए छोटी कटोरियां थी, और बाकी सब कुछ पूरा है। अबू कस्टर्ड कैसा बना है? अच्छा बना है ना? अबू जो नमाज पढ़ रहे हैं, सबने इफ्तारी कर ली, तो हम भी अभी नमाज पढ़ते हैं। सी, जैसे हम यहाँ पर आए ना अम्मी, उसी टाइम की भाग के गई है, थोड़ी देर बस आइए कस्टर्ड लेने, वो अभी नजर नहीं आएगी जब तक आप जाओगे नहीं ना। जबरदस्त, वो भी रो रो के निकलती है यहाँ से। तो अच्छा है ना, हमारी इफ्तारी भी होगी, बच्चे भी खेल लेंगे। केचप चाहिए अबू? केचप।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर इफ्तार हो गया, बहुत अच्छा हो गया। रोज इधर रहेंगे, रोज इधर। अबू अभी चाय पी रहे हैं, अब मैं चलती हूँ अपना ये लैंप उठाकर नमाज पढ़ने। तेरे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए ना, ये लैंप मेरे हर जगह पे काम आ रहा है। तैयबा ने आज अम्मी लैंप नहीं उठाया, भाग गई पहले ही। अंधेरे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उजाले में पढ़नी चाहिए। क्या कह रहे हो आप? बड़ी रोशनी है, बहुत ज्यादा लाइट है इसकी। इसको मैं साथ में रख के बैठूंगी, फिर अपनी नमाज पढ़ो। आप पार्क वालों को कहते हैं कि अपनी लाइट बंद कर। अम्मी आपने चाय पी ली? अभी चाय पीती है। अबू की स्टिक लेके भाग गई थी, अब देखो लेकर आ गई है। लगेगी अबू की स्टिक आप? चलो अम्मी से तो पूछा नहीं। अम्मी आपको कस्टर्ड कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। हाँ, सच में ज्यादा मीठा तो नहीं था ना? नहीं, बहुत अच्छा। कस्टर्ड आपको कैसा लगा? अच्छा था ना। अभी हो रहा है हमारी चाय का टाइम, सब अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। और जैसे आयत ने देखा, आयत को भी चाय चाहिए। कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खत्म हो गया। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज 8 रोजे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और हमारी तरफ से, अम्मी की तरफ से 8 रोजे, 8वां रोजा आप सबको मुबारक हो। सबको मुबारक, सबको मुबारक। बादल बने हुए हैं, लगता है दोबारा बारिश होगी। अम्मी देखें, बादल जैसे बने हुए हैं। आज आपने लैंप नहीं उठाया था, तैयबा भाग गई थी। सब रोज कमेंट कर रहे थे, तैयबा इतना अच्छी लगती है जब लैंप उठा कर आती है। वो हेड शोल्डर नीज एंड टोज शुरू हो गया। अम्मी बस इसको देख के सारा दिन हंसती रहती है। अदरक हम भी अपने घर लगवाएंगे। इसकी छांव ना बहुत घनी होती है और प्यारा भी बहुत लगता है। नीम है, पता नहीं नीम लग तो नीम रहा है, पता नहीं कौन सा है। लेकिन नीम में अम्मी ऐसे व्हाइट वाले फूल तो नहीं होते ना? लगते हैं, लगते हैं। दिन की रोशनी में अम्मी ये बहुत प्यारा लगता है। अभी भी देखिए रात में अच्छा लग रहा है। इधर मम्मा के साथ आ जाओ। चलो बैठ। जैसे हम इफ्तार करके आए, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अपने किसी काम के लिए निकल गए। अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं 10 और जाते हैं सोते हैं। अब मिलूंगी मैं आपको सहरी के टाइम पर, तब तक के लिए नहीं, इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। सहरी अगले व्लॉग में होगी। हेलो, आई एम फाइन। मम्मी हंसती है कि सितारा नहीं है आपका नाम? कुछ देख के आइए जाओ। चलो अब भाईजान भी गया और टीचर भी गई। क्या हुआ टीचर? अम्मी कितनी चलाक है उसको। आयत, हु इज शी? अम्मा, यू लाइक योर अम्मा? टीचर का फीडर बना कर आओ, टीचर सोए। मम्मी टीचर कह रही है दूध दो। मुझे दूध। क्या? जी जी, टीचर को अब दूध चाहिए। अच्छा, ताकि फीडर पीती रहे टीचर। और टीचर सो गई। टीचर ने तो दूध भी नहीं पिया, सो गई टीचर।